नेक्स्ट डे जो है ना बीयर का फंक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जो है ना बैलेंसिंग पढ़ रहे थे, बैलेंसिंग शुरू किए थे। ईयर का दो फंक्शन बताए थे आपको, एक हियरिंग का और एक बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग जो था उसका मेन फंक्शन था, और वो जो था बैलेंसिंग वो हम उसमें पढ़ भी रहे थे। आपको फिगर से भी बताए थे कि इंटरनल ईयर का जो आपका वेस्टिबुलर पार्ट होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल पार्ट होता है वो क्या करते हैं, वो आपका सुनने में मदद करते हैं हमको, और सॉरी बैलेंस में मदद करते हैं, जबकि ऑर्गन ऑफ पार्टी जो होता है वो हमको सुनने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना अगला दिन का जो पढ़ाई है, तो जो है अगला दिन के बाद का जो जो पढ़ रहे उसमें जो है मैटुली जो होता है दस है, क्या करता है, हेल्प्स इन बैलेंसिंग करता है। हम फिर से एक बार जो है ना आपको पहले प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जो है ना आप उसको जरा सा समझना। मैकुली होता है, मैकुली कहाँ पर था, तो नेक्स्ट ईयर का जो पढ़ाई था उसमें प्रेजेंटेशन में आती है मैकुली है। मैकुली आप लोगों को नजर आ रहा है, दो चैम्बर है, एक यूट्रिकुलस है और एक सैकुलस है। यूट्रिकुलस और सैकुलस के बीच में देखिएगा वो आपका डार्क जो है ना आपका न्यूक्लियस जैसा कुछ रचना है, उसी को मैकुला कह रहे हैं। तो दोनों में एक एक है तो मैकुली हो जाएगा प्लूरल इसका। ये जो मैकुली है ना ये आपका जब हम स्थिर रहते हैं मतलब चलते नहीं है उस समय हमको बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है, जबकि इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, वो देख रहे हैं ऊपर में यूट्रिकुलस है और नीचे में क्या है, सैकुलस है। ठीक है, यूट्रिकुलस का जो आपका मैकुली होता है या मैकुला होता है वो आपका वर्टिकल मूवमेंट में मदद करता है, मतलब वो जो है ना वर्टिकल मूवमेंट जब हमारा हेड का होता है उसमें ये मदद करता है कौन, यूट्रिकुलस का मैकुला। जबकि मैकुला ऑफ सैकुलस जो होता है वो बैलेंस में मदद करता है कब, जब लैटरल मूवमेंट हो हेड का, लैटरल मूवमेंट जब होता है तो जो है ना वो आपका सैकुलस का जो आपका मैकुला होता है वो क्रिस्टी का बात है। एक जगह पर क्रिस्टी कहाँ था तो देख लीजिए, आपको बताए थे सेमी सर्कुलर कैनाल बताए थे, सेमी सर्कुलर कैनाल जो था उसमें तीन को जो है ना स्वेलन जैसा है उसके इंड पर जो इंड है वो स्वेलन है उसी को एम्पुला बोलते हैं, है ना। और एम्पुला में देख लीजिए उसमें जो है ना कुछ डॉट जैसा है, वो जो डॉट है उसी को हम कह रहे हैं क्या बोले, क्रिस्टी बोल रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टी है ना वो आपका क्या करता है, ये हम लोग जब मूवमेंट करते हैं एंगुलर मूवमेंट उसमें मदद करता है। एंगुलर आप समझते होंगे शायद घुमावदार जो मूवमेंट करते हैं, नाचते हैं, गोल गोल घूमते हैं, उसमें जो है बैलेंस करने में मदद करता है कौन, क्रिस्टी। जबकि वर्टिकल मूवमेंट जो होगा हेड का होता है ऐसे वगैरह स्टैटिक में, उसमें यह मदद करता है कौन, आपका मैकुली। तो क्रिस्टी का हम कब मदद करेगा, जब एंगुलर मूवमेंट होगा मतलब जब हम घूमेंगे। ठीक है, अब जरा सा यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, अर्थात जो आपका मैकुली होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, क्या करता है भाई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मदद करता है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मदद करता है, स्थिर में सीधा मतलब हमको रखने में, कब, जब हम बैठे हुए होते हैं या स्थिर होते हैं उस समय हमको इक्विलिब्रियम में रखने में मदद करता है कौन, मैकुली। द मैकुला ऑफ द यूट्रिकुलस, अभी हम आपको दिखा रहे थे ऊपर का चैम्बर था, हेल्प्स ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हेड, वेयर एज मैकुला ऑफ सैकुलस हेल्प्स इन बैलेंसिंग ड्यूरिंग लैटरल मूवमेंट ऑफ द हेड। ठीक है, अभी हम आपको दिखाया है, उसके बाद बता रहे क्रिस्टी प्रेजेंट इन एम्पुली ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स हेल्प इन बैलेंसिंग ड्यूरिंग एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट ड्यूरिंग एंगुलर मूवमेंट ऑफ द हेड वेयर अगर मूवमेंट ऑफ द इंडो लिम्ब इन द सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल आपको बताए थे उसमें जो है ना आगे में एंगुलर था, अब जब हम ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा, इसमें जो आपका इंडो लिम्ब होता है जो लिक्विड भरा होता है वो क्या करेगा, मूव करेगा इधर उधर। जैसे आप किसी बर्तन में पानी ले लो और उसको गोल ऐसे घुमाओ तो पानी क्या होगा, बर्तन को जब गोल घुमाओगे तो क्या होगा, पानी भी उसमें घूमना चाहिए।
जैसे ही हम लोग घूमते हैं तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम इंडोलिथ है वो क्या करता है, मूव करता है। जब इंडोलिथ मूव करेगा तो क्या होगा, लैग इन द इंडोलिथ ऑफ द एम्बुला। अब लैग का क्या मतलब है, तो जब मूव करेगा तो कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होगा। जैसे ही कम जैसे होगा मतलब एक जो है ना मूवमेंट ऐसे होगा इंडोलिथ का तो थुपड़ा जो होता है वो बेंड कर जाता है। ठीक है, कल अगर के जो क्लास था उसमें हम आपको थुपड़ा बताए थे, थुपड़ा के बारे में आपको बताए थे कि अगर क्रिस्टी में देखे होंगे आप तो ऊपर में डोम शेप जो है ना कुछ स्ट्रक्चर था और वो जो क्रिस्टी में आपका जुड़ा हुआ था, अब वो क्या करेगा, वो आपका बेंड करेगा। जब वो बेंड करेगा मतलब आपका मुड़ना चाहेगा तो क्या होगा, सेंसरी हेयर जो था आपका किसका सेंसरी सेल्स का वो डिस्टॉर्ट करने लगता है, डिस्टॉर्शन उसमें शुरू हो जाता है। तो सेंसरी हेयर जो होता है सेंसरी सेल्स का वो डिस्टॉर्ट होने लगता है इसमें क्रिस्टल। अब जब वो डिस्टॉर्ट होने लगेगा डिस्टॉर्शन उसमें शुरू हो जाएगा तो स्टिमुलस का वो काम करता है और स्टिमुलस जो है सेंसरी सेल के द्वारा रिसीव हो जाता है। अब ये जो स्टिमुलस है आपका जो आपका सेंसरी सेल ऑफ क्रिस्टा के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, अब वो जो है आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नर्व इंपल्स के रूप में और वो ब्रेन तक जाता है इसके मदद से ऑडिटरी सेंसरी नर्व के मदद से। ब्रेन जो है पूरे बॉडी को बोलता है आपके जो है बॉडी जो है वो तिरछा हो रहा है या आपका झुक रहा है किसी तरह, आप क्या करो अपने बॉडी अपने आप को रीस्टोर कर दो इसमें बैलेंस के रूप में। फिर समझ में आ रहा है, तो क्या बोले मैकुली जो था उसमें भी आपका जो डिस्टॉर्शन हुआ था तो वो जो है ना वो भेजा, और जब हम गोल घूमते हैं तो एम्बुला में जो आपका लिक्विड भरा हुआ था इंडोलिथ वो आपका मूव करता है, तो मूव करेगा तो क्या होगा ये जो है आपका फ्लो जैसा होगा तो कहीं कम कहीं बेसी कहीं ज्यादा जैसा होगा जिससे थुपड़ा जो है ना आपका क्या होगा मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा मतलब बेंड करेगा तो बेंड करने के कारण आपका एक स्टिमुलस बनना शुरू हो जाएगा और स्टिमुलस जो है नर्व इंपल्स में बदल कर आपका जो निकलता है वहां से नर्व काम से जिसका नाम है और हिस्ट्री सेंसरी नर्व उसके द्वारा ब्रेन को भेज दिया जाएगा और ब्रेन इसको आपका पूरे बॉडी के मसल्स को भेजेगा और कहेगा कि आप अपने आप को क्या करो रीस्टोर कर दो पुनः से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाओ और शरीर को बैलेंस कर दो। अब यहाँ पर लिखे हैं कि एंगुलर मूवमेंट ऑफ हेड अकर्स ड्यूरिंग लोकोमोशन एंड हेंस द क्रिस्टी कंसर्न्ड विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ कौन जुड़ा हुआ था, मैकुली। मैकुली कहाँ था भाई, तो दोनों चैम्बर में था, एक का नाम था सैकुलस और एक का नाम था एट्रिकुलस, उसमें था मैकुली। वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मदद करता है मतलब बैठे रहने बनाए हैं रह रहे हैं और झुक रहने से या ऐसे गिर रहे हैं, ये जो बैठ के हम झुक रहे हैं उसमें मदद करता है कौन स्थिर करने में या बैलेंस करने में, मैकुली है ना, एट्रिकुलस का और सैकुलस का मैकुली। लेकिन जब हम मूव करते हैं हम चल रहे हैं ठीक है तो चल रहे हैं तो इस समय हमको मदद कौन करता है एक आपका बैलेंस करने में बॉडी को, ये बैलेंस करने में मदद करता है कौन आपका क्रिस्टी। तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टी आपका डायनेमिक आपका मदद करता है मतलब मूवमेंट के समय गति के समय मदद करता है। देखो रोटेशनल मूवमेंट जो होता है रोटेशनल समझ रहे हैं ना, वो गोल गोल ऐसे घूमना शुरू करती है ठीक है। जो रोटेशनल मूवमेंट करते हैं हम वो जो है ना आपका लीनियर और एंगुलर दोनों मूवमेंट उसमें होता है, सीधा भी चल रहे हैं और गोलता और जो है ना एक एंगल पे भी चल रहे हैं, इसलिए इसमें दोनों क्रिस्टी और मैकुली दोनों मूवमेंट करते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं अगर आप स्थिर बैठे हुए हैं आपका बॉडी झुक जा रहा है ऐसे सो रहे हैं आप अपने आप को झुक नहीं आ रहा है झुक रहे हैं तो इसमें मदद कौन करेगा, मैकुली। जब आप सीधा चल रहे हैं तब आपके शरीर को बैलेंस करने में मदद कौन करेगा, क्रिस्टी। और जब आप नाच रहे हैं गोल गोल घूम रहे हैं ज्यादा कस के ठीक है नॉर्मल ऐसे टहल रहे हैं तब तो मदद कर देगा, गोल गोल में नॉर्मल टहल रहे हैं तब तो मदद करता है कौन आपका क्रिस्टी। लेकिन अगर आप पूरा जोर से जो है ना घूम रहे हैं चारों तरफ से डांस कर रहे हैं
तो उसमें मत आपका दोनों करता है किस्ती और मैथुली, ये आपका था मैथुली और किस्ती का काम। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बैलेंसिंग खत्म हो गया। तो बैलेंसिंग जो है ना मेनली किसके द्वारा हो रहा था, किस्ती और मैथुली के द्वारा। याद केवल इतना ही रखना है कि जब हम स्थिर रहेंगे उस समय जो है ना मैथुली मूवमेंट मैथुली मदद करेगा, जब हम सीधा में या मान सामान्य रूप से चलेंगे तो मदद कौन करेगा, किस्ती। और जब हम नाचेंगे उछलेंगे कूदेंगे उस समय जो है ना हमको बैलेंस रखने में मदद कौन करता है, दोनों किस्ती और मैथुली, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हियरिंग का, सुनने वाला फंक्शन जो था, जो सुनने वाला फंक्शन था वो आपका किसका था, ब्रेन का, ब्रेन लिए कान का। वो सुनने वाला सेकेंडरी फंक्शन है, आपको बताया कि प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, बैलेंस करने का। तो सुनने वाला में कौन मदद करता है, तो सुनने वाला जो होता है वो रिसीविंग ऑफ साउंड, पहले इसके लिए साउंड को रिसीव करना पड़ेगा और उसके लिए जिम्मेवार है ऑर्गन ऑफ पॉटी। सुनने के लिए जिम्मेवार है ऑर्गन ऑफ पॉटी, बैलेंस के लिए जिम्मेवार है क्रिस्टी और मैकुली। ठीक है, अब साउंड ऑर्गन ऑफ पॉटी कहाँ पाया जाता है, तो आपको पीछे का फिगर में बताए थे कि ऑर्गन ऑफ पॉटी जो होता है इंटरनल ईयर में पाया जाता है। और इसको हम एक डायग्राम से आपको दिखाएंगे, और ये डायग्राम जो है ना अभी हम प्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम और ईयर, इट कैन बी शोन थ्रू फॉलोइंग डायग्राम। अब डायग्राम का बात करते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले साउंड स्टिमुलस जो था वो आपका क्या हुआ, शुरू हुआ। साउंड स्टिमुलस जो है ना वो कहाँ शुरू हुआ होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शुरू हुआ। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर के द्वारा वो आपका मूव करते हुए, देखिए एरो चार एरो बताए हैं, चार एरो जो है ना उस मतलब एक प्रवाह है ऐसा, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, और वो जाएगा किस में, पिन्ना में जाएगा। लेकिन अपने आवाज जो होता है वो जाता है जबड़ा के हड्डी के द्वारा, इसलिए वहां पर हम एयर लिखे नहीं है। ठीक है, तो साउंड जो है वो किसी भी तरह से पिन्ना तक पहुंचा। हाँ, नॉर्मल जो साउंड है जो दूसरे का आप लोग भी सुन पा रहे हो, हम सुन पा रहे हैं किसी का, तो वो जो है ना वो अभी जा रहा है किसके द्वारा, एयर के द्वारा पिन्ना तक पहुंचा। पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के मदद से चला जाता है कहाँ पर, सीधे टिम्पैनम पर। टिम्पैनम जो होता है, टिम्पैनम जो है आप देख लो, टिम्पैनम जो है, टिम्पैनम सॉरी गलती लिखा गया है, टिम्पैनम जो है उसको एयर ड्रम बोलते थे, वहां पर जाकर टिम्पैनम को जो है ना ये क्या करता है, वो ठोकता है, वो पटकता है एक तरह से। जब उसको पटकता है तो वहां से जो है ना वो जाता है फेनिस्ट्रा ओवैलिस पे। ठीक है, इसको सबको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, फेनिस्ट्रा ओवैलिस पे जाता है, फेनिस्ट्रा ओवैलिस से लिक्विड होता है उसमें भरा हुआ जिसका नाम है पेरिलिम्फ। ठीक है, पेरिलिम्फ के द्वारा चला जाता है रीजनल मेम्ब्रेन पर। रीजनल मेम्ब्रेन कहाँ था वो हम अभी फिर से पढ़ाएंगे, पीछे में आएंगे, लेकिन रीजनल मेम्ब्रेन पे जाता है, और रीजनल मेम्ब्रेन से इंडोलिम्फ के द्वारा चला जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, ये आपका एक फिगर है जो आपको बता रहा है कि साउंड जो है वो कैसे मूव करता है, कहाँ तक कान में कैसे जाता है। उसके बाद दूसरा जो फिगर है जो ये वो आपको ये बताएगा कि आखिर यहाँ से फिर साउंड वहाँ कैसे जाता है, कान में कैसे पहुँचा। ये तो आपको हम दिखा रहे थे डायग्राम के, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि साउंड कैसे आपके कान के विभिन्न पार्ट तक पहुँचा। साउंड सबसे पहले कहाँ तक आया, पिन्ना तक आया, पिन्ना से कहाँ गया, टिम्पैनम में गया, किसके मदद से, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मीजस के मदद से। टिम्पैनम के बाद ये चला जाएगा कहाँ, फेनिस्ट्रा ओवैलिस से होते हुए पेरिलिम्फ से होते हुए रीजनल मेम्ब्रेन पर। रीजनल मेम्ब्रेन पर जाने के बाद वहां से ये चला जाएगा इंडोलिम्फ से होते हुए इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन पर, और आप सुन पाते हो, हियरिंग हो जाता है। बेसिलर मेम्ब्रेन पर जैसे ही साउंड पहुंच जाता है आप सुन पाते हो। ठीक है, अब देखते हैं कान के स्ट्रक्चर की मदद से इस बात को। तो अगला जो है फिगर है आपका, देखो इस फिगर में देखो, ये जो फिगर है इंटरनल ईयर का फिगर है। ठीक है, ये जो फेनिस्ट्रा ओवैलिस देख रहे हो यहाँ पर आप, फेनिस्ट्रा ओवैलिस यहाँ तक साउंड जो है वो मिडिल ईयर के मदद से आया। मिडिल ईयर में अगर आपको याद होगा
मिडिल ईयर में आपका टिम्पैनम था सबसे पहले, ईयर ड्रम था, ईयर ड्रम से जो है ना तीन आपका बोन्स थे, छोटे छोटे बोन्स थे जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ईयर ऑसिल्स कहते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, सब उधर की तरफ एक्सटर्नल ईयर की तरफ जो आपका टिम्पैनम था, टिम्पैनम से जो सबसे पहला सटा हुआ था उसका नाम था मैलियस, उसके बाद दूसरा जो था इंकस, और जो थर्ड है स्टेप। स्टेप सबसे छोटा हड्डी है जो आपके कान में पाया जाता है, आपके बॉडी का सबसे छोटा हड्डी है जो आपके कान में पाया जाता है, किस कान में, मिडिल ईयर में। देखो यहाँ पर आके स्टेप ऐसे इसमें जुड़ता है, कहाँ पर जुड़ा हुआ है, फेनिस्ट्रा ओवैलिस पे, ये जो फेनिस्ट्रा ओवैलिस पे यहाँ पर स्टेप जो जुड़ता है। अब यहाँ तक साउंड आ गया, ठीक है, साउंड आने के बाद अंदर घुसा किसके मदद से, फेनिस्ट्रा ओवैलिस एक जो छोटा छेद था ढका हुआ उससे अंदर घुसा, अंदर जब घुसा तो पहुंच गया एक चैम्बर में, और उस चैम्बर का नाम था स्केला वेस्टिबुली। देखिए स्केला वेस्टिबुली में पहुंचा इस चैम्बर में, और इस चैम्बर से देखिए इस चैम्बर में लिक्विड है, इसी लिक्विड को कह रहे हैं हम, कौन लिक्विड, पेरिलिम। अब इससे जो है ना देखिए ये रीजनल मेम्ब्रेन है, ये जो देख रहे हो आप ये रीजनल मेम्ब्रेन है, रीजनल मेम्ब्रेन पर जब जाता है, रीजनल मेम्ब्रेन जो है ना उसको दे देता है किसको, स्केला मीडिया में देता है, स्केला मीडिया जो था इसमें जो भरा हुआ था उसका नाम था लिक्विड का इंडोलिम। यहाँ पर देखो ये जो लिक्विड यहाँ पर है वो है इंडोलिम। अब इंडोलिम से चला जाता है निचला जो आपका ये देखो लेयर है जिसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन में चला जाता है, और बेसिलर मेम्ब्रेन पर जैसे ही यहाँ गया इसी पर ऑर्गेनोकॉटी है, पूरा ऐसे फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे, ठीक है, इस सब में ऑर्गेनोकॉटी ऐसे भरा हुआ है, तो यहाँ तक इस सब पर आ गया। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सब फिगर जो है कहाँ से आया है बॉडी में, कहाँ होता है, तो देखो आपको हम यहाँ पर फिर से शुरू वाला फिगर पिला रहे हैं। देखो ये जो ऊपर का पोर्शन था ये तो आपको जो है ना शरीर को बैलेंस करने में मदद किया था, ये देखो ये कॉकलिया है, कॉकलिया, ये जो कॉकलिया है इसी के अंदर का स्थिति आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर का स्थिति बता रहे हैं, अर्थात इसी में आपका जुड़ता है कौन, ये जाकर जुड़ता है कहाँ पर, आपके इंटरनल ईयर में जाकर जुड़ता है, और इंटर ये सॉरी एक्सटर्नल, ये जो मिडिल ईयर था मिडिल ईयर पर जाकर जुड़ता है, और मिडिल ईयर से इसी में साउंड आता है, किसमें आता है, कॉकलिया में, और कॉकलिया का ही देखो अंदर से देखो कॉकलिया कैसा होता है, तो कॉकलिया अंदर से तीन भाग में देखो बटा हुआ है, तीन चैम्बर में बटा हुआ है, ऊपर वाला जो चैम्बर है स्केला वेस्टिबुली, एक मेम्ब्रेन है उसके बाद इसका नाम था रीजनल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो लिक्विड था उसका नाम था इंडोलिम, इसमें जो लिक्विड है देख लो इसमें और इसमें लिक्विड का नाम है पेरिलिम, ये इंडोलिम, तो यहाँ पर साउंड आया होगा किसके थ्रू, फेनिस्ट्रा ओवैलिस के थ्रू, उसके बाद साउंड इस मेम्ब्रेन पर आया होगा जिसका नाम है रीजनल मेम्ब्रेन, उससे साउंड जो है इस लिक्विड में आया होगा जिसका नाम है इंडोलिम, और वहाँ से आ गया होगा यहाँ पर जिसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन पर ही जो है ना आपका कपकपाना शुरू हो गया होगा, क्योंकि इसमें देखो सेंसरी सेल्स है और सेंसरी हेयर्स है, तो यहाँ पर कंपन शुरू हुआ होगा, और वो जो कंपन है कंपन के कारण देखो ये हेयर्स जैसा स्ट्रक्चर है सेल के अपर पोर्शन पर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये जाकर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे सटता होगा, और सटता है, जब ये सटता है तो डिस्टॉर्ट होता है, ये मुड़ता है इधर उधर, जब ये डिस्टॉर्ट होता है जब मुड़ता है तो ये जो है ना आपका एक आपका स्टिमुलस के रूप में काम करके यहाँ से जो है ना देखो ये देखो ये ऑडिटरी नर्व है उसके ब्रांच को देता है, और ऑडिटरी नर्व के ब्रांच को किस रूप में देता है, नर्व इंपल्स के रूप में, और आप सुन पाते हो। तो अभी जो हम यहाँ पर बता रहे थे बोर्ड पे आते हाँ बोर्ड पे बोर्ड पे डायरेक्ट वहाँ पर दबाओ तो कैसे, तो वही आपको बताए थे कि इज रिसीविंग ऑफ साउंड बाय ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ऑफ द इंटरनल ईयर, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किस पर था भाई, तो आपको बताए थे बेसिलर मेम्ब्रेन पर था, किसका, स्केला मीडिया का, है ना, इट कैन बी शोन थ्रू फॉलोइंग डायग्राम्स, तो यहाँ पर आपका दो डायग्राम है जो आपको हम अभी दिखाए हैं, और वो डायग्राम जो था आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे वाला जो लेजे होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अगर किसी बच्चा का छूट गया है
तो हम फिर से बोल रहे हैं, हमारा YouTube चैनल जो है ना उस पर है ये सब डाला हुआ, आप उसको जाकर देख सकते हो। अगर लिंक नहीं मिल पा रहा होगा तो जब वहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया भाई, कहां पहुंच गया, ऑर्गन ऑफ कॉटी पर, किसका, इंटरनल लेयर का, और वो किस पर था, बेसल मेम्ब्रेन पर था। जब वहां पहुंच जाता है तो बेसल मेम्ब्रेन जो होता है ऑर्गन ऑफ कॉटी के साथ वो आपका वाइब्रेट करने लगता है। जब वाइब्रेट करता है तो बेसल मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के कारण सेंसरी हेयर जो था सेंसरी सेल्स का वो भी वाइब्रेट करेगा। जब वो वाइब्रेट करेगा तो एक सियरिंग फोर्स होगा जो आपका टिकेटोरियल मेम्ब्रेन और डिस्टल मेम्ब्रेन के बीच में लगेगा, दबेगा एक दूसरे के अंदर। तो इससे क्या होगा, आपका जो सेंसरी सेल्स है वो डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट जब होगा तो स्टिमुलस जनरेट होता है और स्टिमुलस जो है नर्व इंपल्स के रूप में ऑडिटरी एरिया के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेज दिया जाता है और आपका ब्रेन जो है उस नर्व इंपल्स को साउंड में बदल देता है और आप आराम से सुन पाते हो। ये आपका सुनने का पूरा प्रोसेस था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होता है अब उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि साउंड को रियली में आपके कान के अंदर कौन जिम्मेवार होता है रिसीव करने के लिए, तो हमको लगता है कि आपके कैसे आप कान में आ गया होगा, कैसे के दिमाग में आ गया होगा कि जो ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है रियली में साउंड जो होता है उसको रिसीव वही करता है, और अर्थात हमारा जो ऑडिबल पार्ट होता है, सुनने में मदद करने वाला पार्ट होता है वो ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है, जबकि बाकी जो पार्ट्स होते हैं कान के वो सिर्फ वो आपका साउंड को ले जाने वाले होते हैं, साउंड को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं, द ऑर्गन ऑफ कॉटी इंटरनल ईयर का ना, जो बात है इसमें हियरिंग में सोर्स को कर देते क्लियर कि जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है ये रियली में रिसेप्टर होता है साउंड का, जबकि अदर जो पार्ट्स होते हैं ईयर का वो सिर्फ और सिर्फ साउंड को ले जाने का काम करते हैं, मतलब फोनो कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, फोनो कंडक्टर का काम करते हैं। अब यहाँ पर लिखे फिर से, द ऑर्गन ऑफ कॉटी दस हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साउंड एनर्जी को ही हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। किस रूप में, नर्व इंपल्स के रूप में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। अतः इसे हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑर्गन ऑफ कॉटी है वो ही क्या है, ट्रांसड्यूसर है आपके ईयर का। ठीक है, अब समय इसमें समाप्त हो जाता, आप जो है ना फिर से आप यहाँ पर अभी तो क्या कर रहा था, इसमें एक और है हम लोग को पढ़ना, हेलिकोटीमा जो है उसका रोल जानना था। अब तो हेलिकोटीमा है क्या, पहले ये समझ ले, हम शुरुआत में भी आपको बताए थे, ये जो आपका कॉकलिया था, कॉकलिया जिसको बोल रहे थे, ये कॉकलिया को जब हम काटते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काट देते हैं, काटते हैं ना तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ऐसा आता है। ठीक है, अभी आपको बताए थे स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी, तीन भाग में यहाँ से वहाँ तक बटा हुआ है पूरा। तो कॉकलिया के अंदर जब घुसे हम तो देखो, ये जो स्केला वेस्टिबुली है, मतलब कि जो डॉर्सल आपका चैम्बर है और ये जो वेंट्रल चैम्बर है, ये बीच का मिडिल चैम्बर है, इन दोनों चैम्बर के बीच में, डॉर्सल और वेंट्रल चैम्बर के बीच में एक छेद होता है जो दोनों चैम्बर को आपस में जोड़ता है, ये एकदम अंत में पाया जाता है। ये जो आपका कॉकलिया था वो जहाँ पर समाप्त हो रहा है उसके अंत में पाया जाता है हेलिकोट्रिमा, और इसी हेलिकोट्रिमा के द्वारा ये दोनों चैम्बर, डॉर्सल और वेंट्रल चैम्बर क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो अब हम फिर से बोर्ड पे आ रहे हैं रोल ऑफ हेलिकोट्रिमा के बारे में। जो ज्यादा होता है आपका क्या साउंड, उसको स्टोर कौन करता है, स्केला टिम्पैनी। ऑर्गन ऑफ कॉटी द
thus helps in transformation of sound energy, इस रूप में मैकेनिकल एनर्जी के रूप में जो आपका साउंड एनर्जी है उसको लव एनर्जी के रूप में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने में मदद करता है, इसलिए इसको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो बात खत्म हो गई। अभी जो बात हम लोग शुरू किए थे हेलिकोट्रीमा पर, जिसके लिए आपको फिगर दिखाई दे, हेलिकोट्रीमा जो है एक क्या था, पैसेज था, एक रास्ता था जो जोड़ता था इसको भाई स्केला वेस्टिबुली को स्केला टिम्पैनी से, अर्थात इंटरनल ईयर में जो चैम्बर थ्री था डॉर्सल चैम्बर का नाम था स्केला वेस्टिबुली, वेंट्रल का नाम था स्केला टिम्पैनी, दोनों को आपस में अंत में जाके वो जोड़ता था एक छेद, और छेद का नाम भी क्या था, छेद का नाम क्या था, इसको ट्रीमा। उससे क्या फायदा होता था कि जो सरप्लस साउंड एनर्जी था सुनने के बाद स्केला वेस्टिबुली में जो बच गया वो चला जाता था स्केला टिम्पैनी में, स्केला टिम्पैनी जो है उसको स्टोर करता था, स्टोर हाउस जैसा काम करता है सरप्लस साउंड एनर्जी के लिए कब, सुनने के समय। ये आपका हेलिकोट्रीमा का जो काम था वो समाप्त हो गया, ठीक है। और छेद था, अगर आपको याद होगा इंटरनल ईयर में आप भूसे होंगे तो देखिएगा ऊपर में आपको हम दिखाए थे पेनिस्ट्रा ओवेरिस, और एक और छिद्र था जो आपको मिडिल ईयर से इसको जोड़ के रखता था इंटरनल ईयर को, उसका नाम था फेनिस्ट्रा ओवेरिस, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे एक सेवरिंग शुरू कर को देख लो जरा सा, आप क्या देख रहे हो, ये देखो इधर की तरफ मिडिल ईयर है, ये जो है ना इधर का इलाका क्या है, मिडिल ईयर है, और ये इंटरनल ईयर में हम घुसे हैं। तो यहाँ पर देखो दो पोल है, एक फेनिस्ट्रा ओवेरिस है ओवल पोल है, और एक रोटंडा ये गोलाकार है, है ना, ये अंडाकार है और ये गोलाकार है, ओवल है और ये कैसा है, स्फेरिकल है, इसलिए इसका नाम रोटंडा राउंड बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो था साउंड सरप्लस साउंड स्केला वेस्टिबुली से किसके थ्रू चला गया, तो आपको बताया अभी एक छेद था हेलिकोट्रीमा, उसके मदद से चला गया अंत तक कहाँ, फेनिस्ट्रा रोटंडा में, और फेनिस्ट्रा रोटंडा जो है उस साउंड को स्टोर करता है, और ज़्यादा जो हो जाता है उसको इससे फेनिस्ट्रा जो आपका रोटंडा था इससे भेज देता है कहाँ, मिडिल ईयर में, ये मिडिल ईयर है यहाँ पर भेज देता है मिडिल ईयर में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो फिगर तो हम आपको लगता है बताए थे, नहीं इसमें नहीं बच रहा है फिगर, ये मिडिल ईयर था, यहाँ से एक ऐसे ट्यूब जाता है इसमें, ठीक है, और ये जो ट्यूब है ये स्टैचियन ट्यूब में जाता है, आपको हम चाहे तो हम दिखा सकते थे करके, फिर तुम मिटा सकते ना बाबू, हाँ ठीक है, देखो आपको हम, ठीक है, यहाँ पर लेके आ रहे, देखो यहाँ से ये मिडिल ईयर में आ गया, यहाँ से साउंड जो है ये निकल के इसमें चला गया, नहीं है इसको ले पेन लेना है, पेन लिए, ठीक है, ओके, हाँ देखो भाई साउंड जो था इससे इसमें तो आ गया था, साउंड जो था एक्स्ट्रा वो इसमें इससे इसमें आ गया, किसमें आ गया, फेनिस्ट्रा रोटंडा में आ गया, और ये फेनिस्ट्रा और रोटंडा से फिर ये यहाँ से निकल के ऐसे चला गया किसमें, मिडिल ईयर में, ये मिडिल ईयर में साउंड यहाँ घूम रहा है। अब यहाँ से जो है ना एक आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, एक ईयर होता है मिडिल ईयर जो था मिडिल ईयर से जो है ना यहाँ से एक छेद ऐसे होता है इस तरह से, जो नली एक ऐसे नली होता है, ये जो नली है ना वो मिडिल ईयर को जोड़ता था आपके फेरिंग्स से, फेरिंग समझ रहे हो ना, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ जो था, माउथ के बाद हम अंदर घुसते थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बकल कैविटी आता था और ऊपर से आता था कौन, नेजल ट्यूब, बकल कैविटी और नेजल ट्यूब दोनों जो है ना एक चैम्बर में जाके मिलते थे, और उस चैम्बर का नाम था क्या भाई, फेरिंग्स, ऐसे था फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है ऐसे, तो ये जो फेरिंग्स है इसी में ये खुल जाता है, और इस ट्यूब का नाम है स्टैचियन ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है स्टैचियन ट्यूब, ठीक है। तो ये जो स्टैचियन ट्यूब होता है, स्टैचियन ट्यूब के मदद से ये जो आपका साउंड जो एक्स्ट्रा साउंड था जो फेनिस्ट्रा रोटंडा से बाहर आया मिडिल ईयर में, वो मिडिल ईयर से चला जाता था किसमें, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ चला जाएगा, आपके माउथ में, और माउथ से फिर जो है ना आपका चला गया बाहर इन्वायरमेंट में, ठीक है।
तो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं वो रोल ऑफ किसका पढ़ रहे हैं, फेनिस्ट्रा रोटेंडा का, ठीक है, इसको साथ पढ़ो, ठीक है, फेनिस्ट्रा रोटेंडा का। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसा कि हमको लग रहा है वो ट्रीमर जो अभी शुरू किए थे उसको कंप्लीट कर देते हैं, वो तो कर ही दिए थे। इससे चला जाता था कहाँ, स्केला टिम्पैनी से, स्केला वेस्टिबुली से स्केला टिम्पैनी। अब फेनिस्ट्रा रोटेंडा क्या करता था, स्केला टिम्पैनी से आपका जो सरप्लस साउंड एनर्जी था उसको भेज देता था मिडिल ईयर में, मतलब इंटरनल ईयर से फेनिस्ट्रा रोटेंडा के द्वारा साउंड चला जाता था आपका मिडिल ईयर में, जहाँ से आपका फेरिंग्स के द्वारा ये स्टैचियन ट्यूब के से होते हुए कहाँ चला जाता था, फेरिंग्स में, स्टैचियन ट्यूब होते हुए कहाँ चला जाता था, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स जो था वहाँ से साउंड जो था वो एटमोस्फेयर में चला जाता था आपके माउथ के थ्रू, समझ रहे हैं। तो कान से आपके कान जो था ईयर था इससे साउंड अंदर घुसा, आपको सुनने में मदद किया, जो ज्यादा था वो चला गया किसमें, टिम्पैनी में, स्केला टिम्पैनी में, किसके थ्रू, फेनिस्ट्रा सॉरी हेलिकोट्रीमा के थ्रू। अब स्केला टिम्पैनी से जो है ना जो ज्यादा था वो फेनिस्ट्रा रोटेंडा के द्वारा निकल के फिर से इंटरनल ईयर से फिर आ गया किसमें, मिडिल ईयर में, और वहां से मिडिल ईयर से एक ट्यूब था ऐसे, यहाँ पर याद करो वैसे आपका जुड़ा होता है वो स्टैचियन ट्यूब, स्टैचियन ट्यूब जो है यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है उसके थ्रू जो है वो चला जाएगा किसमें, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से किसमें आ जाएगा, माउथ में के द्वारा बाहर एटमोस्फेयर में। ये आपका पूरा का पूरा ईयरिंग का बात था। अगर किसी को दिक्कत ही यूज किया जाता है, साउंड जो है उसका मुख्य जो मात्रक है यूनिट है वो हर्ट्ज होता है, सिंपल जो ऑडिबल साउंड है उसके लिए। लेकिन आप जो नॉइज का बात करते हो, मतलब अनबिलियन साउंड का बात करते हो, तो वहाँ पर डेसिबल का यूज करते हो, ठीक है। बाकी तो आप कन्वर्ट करने के लिए डेसिबल और हर्ट्ज में जो है कन्वर्सन है या जो समानता असमानता है उसके लिए आप थोड़ा फिजिक्स में जाना पड़ेगा आपको। वर्तमान में हम यहाँ आ रहे हैं, जो भी मॉड्यूल साउंड का रेंज बताएंगे वो हर्ट्ज में ही बताएंगे, ठीक है। तो हाँ, हम तो यही बोलेंगे कि इस पर ध्यान देना, ऑडिबल रेंज पर। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड जो है ह्यूमन का वो चिल्ड्रन में कितना है, 20 से 25 हजार हर्ट्ज का है। एडल्ट में कितना है, 20 से 20 हजार हर्ट्ज का है, मतलब हम लोग बच्चों से थोड़ा कम सुन पाते हैं। बेस्ट हियरिंग कितना पर होता है, 1000 हर्ट्ज पर। हम लोग जो बात करते हैं आपस में वो कितना हर्ट्ज तक होता है, 300 से 3000 हर्ट्ज तक होता है। और जो डीजे बताते हैं वो तो काफी ज्यादा हो जाता है, वो डेसिबल में मापा जाएगा, 85 डेसिबल से ज्यादा का जो साउंड होता है, 80 से 85 डेसिबल का से जो ज्यादा का साउंड होता है वो हमको इनायंस, हमको जो है ना बेचैनी महसूस करवाता है। और हम लोग जो डीजे बजाते हैं वो 150 डेसिबल तक हो जाता है, और जो 150 डेसिबल का जो साउंड होता है, आप उनमें से ढेर बच्चों को अनुभव होगा, शादी है, पार्टी है, फंक्शन है, आप लोग तो अपने ना ऐसा बना दिए हो कि दुर्गा जी को लाते हो या सरस्वती जी को डुबाते हो या लाते हो तब भी डीजे, डुबाते हो तब भी डीजे। जरा सोचो, 80 से 85 डेसिबल से ऊपर जब हम जाते हैं, 85 डेसिबल पे हम बेचैन हो जाते हैं, 85 डेसिबल पे हम बेचैन हो जाते हैं, 80 डेसिबल तो नहीं, तो 85 डेसिबल में हम बेचैन हो जाते हैं, और वो जो देवी देवता है वो कितना बेचैन हो जाते होंगे। आप जब डीजे बजाते हो 150 डेसिबल का तो वो कहाँ जाते होंगे। इसीलिए आजकल कितना भी पूजा कर लेते हैं हम, देवी और देवता रहते ही नहीं है उसमें, इसीलिए फल भी नहीं मिल पाते, क्योंकि आप तो साउंड लगा देते हो 150 डेसिबल का, हाँ वो सुन नहीं पाते बेचारे, वो तो और शांति प्रिय है, अंधेरे में रहने वाले, अकेले रहने वाले, और यहाँ 150 डेसिबल का साउंड दे देते हैं पूरा फुल वॉल्यूम में। तो खैर, हम आपको फिर बोल रहे हैं, आप लोग में से देर बच्चों को उसका अनुभव भी होगा डीजे का, उसमें आप देखे होंगे कि डीजे बज रहा है, सामने आप चले गए होंगे कभी डीजे के तो देखे होंगे आपका मन नहीं है डांस करने का, हिलने का, लेकिन आप हिलना शुरू कर देते हो, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है आपको बेचैन कर देता है अंदर से, और आपके जो मसल्स हैं उसमें जो है ना इनवॉलंटरी मतलब अनकंट्रोल्ड जो है ना मूवमेंट शुरू हो जाता है, और ना चाहते हुए भी आपका शरीर हिलने लगता है, डोलने लगता है, इसी को लोग डांस बोलते हैं, ठीक है।
इसीलिए जब भी डीजे बजता है तो बगैर पिए हुए भी बच्चे जो ना आराम से नाच लेते हैं। कारण क्या है? तो उनका शरीर में इनवॉलंटरी मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होना शुरू हो जाता है क्योंकि बेचैनी बढ़ जाता है। तो खैर हम ये सुनने वाला साउंड का बात कर रहे थे और कितना बढ़िया साउंड को हम ज़्यादा बढ़िया से कितना हद तक के साउंड को बढ़िया से सुन पाएंगे ऐसा कुछ बात कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इंटेंसिटी जो साउंड का है वो किसके द्वारा आपका कंट्रोल होता है, ठीक है, और करता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई साउंड का इंटेंसिटी कितना है, 3000 है कि 300, हाँ क्या बोल रहे, कोई साउंड का इंटेंसिटी कैसा है, 1000 है कि 300 है कि 3000 है कि 20000 है, ये कैसे है? कौन आपके ऑर्गन जो है कान के या कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये आपको महसूस करवाता है, आपके मन में आ रहा होगा या आना चाहिए अगर नहीं आ रहा था तो। साउंड का जो इंटेंसिटी है वो आपका जो बेसिलर मेम्ब्रेन था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो बताया थे याद होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का जो नीचे में एक मेम्ब्रेन था जिस पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ऐसे सजा हुआ था पूरा सब सेल्स, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन था ना यही इंटेंसिटी ऑफ साउंड को क्या करता है, बदलता है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, और डिटरमाइन होता है किसके द्वारा, बेसिलर मेम्ब्रेन के द्वारा, और ये डिपेंड किस पर करता है, सेंसरी सेल के नंबर पर जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन पर मौजूद है और वाइब्रेट कर रहे हैं। कितना वाइब्रेट करेंगे, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड है, और जितना कम वाइब्रेशन है आपका कान और ब्रेन बताता है कि उतना कम इंटेंसिटी का साउंड है। आप देखना, आप जितना पावर से कोई चीज को हिलाओगे उतना ही ज्यादा हिलेगा। अब जरा ऐसे समझ लो, हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई रस्सी ले लेते हैं, बच्चा लोग में अगर याद होगा आप लोग एक खेल करते थे ऐसे रस्सी पकड़ के, ठीक है, रस्सी पकड़ के ऐसे उसको वाइब्रेट करवाते थे ऊपर नीचे करके, तो जितना ज्यादा पावर से आप करोगे रस्सी में वाइब्रेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, उतना दूर तक जाएगा, ठीक है, ये व्यायाम भी है, वो मोटा रस्सा कैसे करना है व्यायाम भी था। तो अब जरा सोचो जितना ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड जाएगा उतना ज्यादा बेसिलर मेम्ब्रेन क्या होगा, ऐसे थरथराएगा हिलेगा, और बेसिलर मेम्ब्रेन जितना ज्यादा हिलेगा सेंसरी सेल्स जो है उतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उसका जो हेयर्स था ऊपर में उतना ज्यादा टच करेगा इस पर मेम्ब्रेन जो उसके ऊपर में था उस पर, और जितना ज्यादा टच करेगा उतना ज्यादा आपको क्या होगा, साउंड महसूस होगा, ठीक है। ये तो आपका हियरिंग का बात था, कोई दिक्कत है? तो शुरू कर लेते हैं हम लोग एक नया सा रीडिंग यहाँ पर, अब अंत में पहुंच चुके हैं ईयर का, डिफेक्ट्स ऑफ हियरिंग। जो हियरिंग का डिफेक्ट है वो दो तरह का हो सकता है मुख्यतः, पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब वैसा प्रॉब्लम जिस जो इस कारण से होता है कि इंटरनल ईयर तक साउंड ही न पहुंच पाए, साउंड इंटरनल ईयर तक नहीं पहुंच पाया, तो जो डिफेक्ट होता है जो हम सुन नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है कि इंटरनल ईयर तक पहुंच गया, इंटरनल ईयर जो है ना वहां पर हो सकता है कि किसी का जो है ना लॉस हो गया है, कौन सेंसरी सेल्स का ज्यादा, किसी चोट से या कोई जेनेटिक कारण से, या हो सकता है बेसिलर मेम्ब्रेन नहीं ठीक है, या हो सकता है कि वो सब ठीक है, वहां से जो न्यूरॉन निकला है जिसका नाम था ऑडिटरी नर्व जो ले जाता था सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑडिटरी पार्ट में खबर को सूचना को, वो काम नहीं कर रहा हो, वो सूख जाता है कई बार या खराब हो जाता है, तो ये आपका न्यूरॉन के कारण हो सकता है या इंटरनल हियरिंग डिफेक्ट के कारण हो सकता है। ये जो होता है कनेक्टिव जो आपका हियरिंग लॉस है ये फिजिकल लॉस है बाहर के कारण होता है। इसमें आप एक देखते होंगे हियरिंग ऐड आता है, ब्लूटूथ जो हम लगाते हैं ऐसा ही एक मशीन लोग लगाते हैं जो लोग कम सुनते हैं, और वो जो लगाते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो जो है ना साउंड को सुन पाते हैं तेजी से या ज्यादा मात्रा में सुन पाते हैं, तो उनको क्या होता होगा, आपको मैं रहा हूँ उनको ये लॉस होता है कनेक्टिव हियरिंग लॉस, और ये मेनली टिम्पैनम में जब डिफेक्ट होता है तो ऐसा होता है, आपका टिम्पैनम या ईयर ड्रम में अगर कोई समस्या हो जाए तो आपको ये कनेक्टिव हियरिंग लॉस होता है।
आपके मन में आ रहा होगा कि सर कनेक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है, मतलब जो जो लोग ये आपका मशीन लगाकर सुनते हैं वो अपना आवाज को आराम से सुन लेते हैं बिना मशीन का, कैसे सुन लेते हैं? तो भैया अपना आवाज जो हम सुनते हैं वो जबड़े के द्वारा सुनते हैं और आपको हम ये दिखवा देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको नहर को अगला दिन पढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि बीच में कुछ छूटना ठीक नहीं है, तो ठीक है अगला दिन देते हैं किसी को।